मैंने ये तो कभी नहीं सोचा था कि टॉप 20 में आऊंगी। मेरी मदर ने इस जर्नी में मेरी काफ़ी सपोर्ट करी। बहुत आइसोलेशन में रहना होता है, अकेले रहना होता है, सोशल लाइफ पे बहुत सैक्रिफाइस करना होता है। मैंने ये तो कभी नहीं सोचा था कि टॉप 20 में आऊंगी। हर एस्पिरेंट की तरह यही आशा थी कि बस लिस्ट में नाम आ जाए। तो ये बहुत ही बड़ा मोमेंट है मेरे लिए भी और मेरी फैमिली के लिए भी। हाँ, एक्चुअली ये मेरा सेकेंड अटेम्प्ट था और मैं तैयारी 2021 से कर रही हूँ, तो अभी 3 साल हो चुके हैं। और चैलेंजिंग रहा है ऑफकोर्स ये पाथ, क्योंकि बहुत आइसोलेशन में रहना होता है, अकेले रहना होता है, सोशल लाइफ पे बहुत सैक्रिफाइस करना होता है। लेकिन इसके बावजूद मैं समझती हूँ कि फैमिली और फ्रेंड्स ने काफ़ी मुझे सपोर्ट किया इस जर्नी में। एक्चुअली मैं जब तैयारी कर रही थी तो मैंने कभी ये सोच के नहीं चला कि मुझे इतनी ही रैंक चाहिए या इतनी रैंक पानी है। मैं हमेशा इस चीज़ में बिलीव करती हूँ कि हम सिर्फ हार्डवर्क कर सकते हैं, बाकी रिजल्ट्स ऊपर वाले के हाथ में होते हैं और लक ऊपर वाले का हाथ में होता है। तो टॉप 20 कभी माइंड में नहीं था, वो तो बाय गॉड्स ग्रेस ऐसा हो गया। पढ़ाई के दौरान मुझे काफ़ी तरफ से सपोर्ट मिला। मेरे दो स्टडी ग्रुप्स भी थे मेरे फ्रेंड्स के साथ ही जो एस्पिरेंट्स रहे हैं, तो उसमें मुझे बहुत काफ़ी सपोर्ट मिला सीनियर एस्पिरेंट्स से भी। इसके अलावा मेरी मदर ने इस जर्नी में मेरी काफ़ी सपोर्ट करी। किसी भी प्रकार का प्रेशर नहीं था करियर में कि इतने साल में निकाल लेना है पेपर, या कोई फाइनेंशियल इशूज़ बाय गॉड्स ग्रेस ऐसे नहीं हुए। तो फ्रेंड्स और फैमिली का ही बहुत बड़ा सपोर्ट रहा। अब जो नए बच्चे तैयारी कर रहे हैं एस्पिरेंट्स, उनके लिए क्या कहेंगे, क्या पैटर्न रहेगा पढ़ाई का, किस तरह पढ़ाई आपने की, उनको क्या कहेंगे? तो 2023 अटेम्प्ट का जो पैटर्न था पेपर का, वो थोड़ा डिफरेंट था और इस वजह से सब काफ़ी डर भी गए थे प्रीलिम्स को लेकर के। लेकिन मेरा मानना यही है कि अगर हम स्टैटिक नॉलेज हमारी अच्छी है और जो बेसिक सोर्सेज हैं वो हमने अच्छे से कवर किए हैं और करंट अफेयर्स भी हमने मोर और लेस किया है, तो आई थिंक कोई मुश्किल नहीं है इस पेपर को निकालना। आगे आई लुक फॉरवर्ड टू द ट्रेनिंग कि मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, जो आगे के चैलेंजेस जो जॉब में आएंगे उसके लिए तैयार करेंगे, और मुझे डाइवर्स लोगों से भी मिलने का मौका मिलेगा कोचिंग कोर्स के दौरान। तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट।